बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक्तातन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्लास 9 जूनियर एंड चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। एंड टुडे द डेट इज़ 30 अप्रैल। So first of all students, all of you open your page 43, 44, 45 and 46. Must read your all topics and listen it carefully. So student, today is our topic deforestation and overhunting. फ़र्स्ट ऑफ ऑल डीफॉरेस्टेशन क्या होती है? डीफॉरेस्टेशन का मतलब होता है दरख्तों का काट देना, यानी ट्रीज़ का काट देना। डीफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट वाली लैंड को हम नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट वहाँ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जंगलात हों, और नॉन फॉरेस्ट का मतलब होता है जहाँ पे जंगलात ना हो। सबसे पहले काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स क्या हैं डीफॉरेस्टेशन के? काजेज़ का मतलब होता है वजह, और इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है असर होना। काजेज़ अब क्या क्या हैं डीफॉरेस्टेशन के कि हम जंगलात का क्यों कटाव कर देते हैं, डीफॉरेस्टेशन क्यों होती है, आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे पहली वजह तो ये इसकी है कि वुड के लिए भी डीफॉरेस्टेशन की जाती है, यानी जब हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम दरख्त को काट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अर्बन डिवेलपमेंट, यानी जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनानी हो वहाँ पे दरख्तों को उस लैंड से काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी क्या है? काजेज़ हैं। देन इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? डीफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स ये हैं कि जो डीफॉरेस्टेशन है बेसिकली इसकी वजह से जो सॉइल के अंदर वाटर है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा जिस सॉइल के अंदर ट्रीज़ नहीं होती वहाँ पर उस सॉइल के अंदर सॉइल इरोजन हो जाती है, यानी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें होती हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किधर चले जाते हैं? रिवर्स के अंदर। इसके अलावा रिवर्स के अंदर जब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के ज़ाया हो जाते हैं। इसके अलावा जो जब किसी लैंड के ऊपर ट्रीज़ नहीं हैं तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो जाके मिल जाती है रिवर्स के अंदर। ठीक है, और जिसकी वजह से सैलाब आते हैं। और डीफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बादल भी कम बनते हैं। जब बादल कम बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बारिशें भी कम होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि फॉरेस्ट किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है। अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास लकड़ी होती है उसके अंदर उसके बहुत सारे यूजेज हैं, लाइक लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये भी बात पता होगी कि जो लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी पता होगी कि जो हमारे पास लकड़ी होती है ना, वुड पल्प, जो लकड़ी का गूदा होता है, उसके ज़रिए पेपर भी बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास दरख्त हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी इकनॉमी के लिए भी। इस तरह से आप लोगों को ये भी पता है कि जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। ठीक है, लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, देखने आते हैं। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हैं वो एक एस्थेटिक ब्यूटी का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है फॉरेस्ट बहुत कम होते जा रहे हैं, यानी डीफॉरेस्टेशन होती जा रही है वहाँ पर। अब तकरीबन जो है 1% पर ईयर जो है फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ओवर हंटिंग। अब ओवर हंटिंग क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था। ओवर हंटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जानवरों का शिकार कर देना। पाकिस्तान में बहुत सारे जानवर हैं जिनका बिला वजह शिकार किया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से जानवर हैं हमारे पास? लाइक वेल्स हैं, आइबिक्स है, यूरियल है, मरखोर। मरखोर आप लोगों को पता है क्या होता है? नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। इसके अलावा बहुत सारी कमर्शियल हंटिंग होती है, कुछ लीगल है, कुछ इलीगल है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिंसिपल थ्रेट हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डीफॉरेस्टेशन और ओवर हंटिंग। डीफॉरेस्टेशन क्या होती है? जिसके अंदर जो फॉरेस्ट है वो कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन फॉरेस्ट के अंदर, यानी फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट हो जाती है नॉन फॉरेस्ट लैंड के अंदर। ठीक है, काजेज हम लोगों ने इसके पढ़े हैं, इसके अलावा उसके इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फॉरेस्ट कैसे सपोर्ट कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। इसके अलावा हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को,
और इसके अलावा फॉरेस्ट किस तरह से अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ओवर हंटिंग के बारे में।